हमें हमें इनवाइट किया गया, इनवाइट किया गया था। हम एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते, क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में इन्वाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे, बुला लीजिए उनको। बस बस यही रखिए, नहीं अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। हाजी जी, हम देख रहे थोड़ा फायदे दो मैं साहब, राहुल जी कल हमला भी हुआ आपके काफिले पर, प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई हुई और आज जिस तरीके से परमिशन नहीं दी जा रही है, इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? पता नहीं, पूरी यात्रा आपकी भारत जोड़ो पार्ट वन जो हुई, कहीं कोई विरोध हुआ इस तरीके का नजारा नहीं देखा जा रहा, लेकिन जब आप इनसे पूछिए भैया, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो यार ऑफिसर मंदिर तो हर कोई जा सकता है, मंदिर जाने से क्यों रोक रहे हो? मंदिर जाने से क्यों रोक रहे हो? 11 तारीख रास्ता मानो उलिया जाए, एडीसी साहब आई है सर, क्यों लगता है क्यों रास्ता जा रहे हैं आप? मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? एडीसी मंदिर का तो दर्शन सब कर सकते हैं, आज से एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। एडीसी धर्म की लाइन तय करने वाला अब देश का प्रधानमंत्री और यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया है, कब तक ये चलेगा? हमारी अपनी आस्था है, भगवान राम हमारे दिल में है, कृष्ण हमारे दिल में है, शंकर हमारे दिल में है, तो मंदिर जा क्यों नहीं रहे हैं? दिल में है तो मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए ना भाई, क्या लगा के रखा है ये हेमंत बिस्व शर्मा जो है, उन्होंने इस देश के अंदर ये नया हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं ना, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, यहाँ ठोक तंत्र चल रहा है, यहाँ ठोक तंत्र चल रहा है कि अब आप राम का दर्शन करोगे नहीं करोगे, शिव का दर्शन करोगे नहीं करोगे, कब करोगे, कहां जाओगे, कौन से रास्ते जाओगे, कौन से मंदिर जाओगे, कितने बजे जाओगे, अब घंटी बजाओगे नहीं बजाओगे, क्या करोगे, सब कुछ सरकार तय करेगी, सब कुछ इस देश का राजा तय करेगा। नहीं बिल्कुल ना बोल रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं, हम नहीं जाने देंगे यहाँ पर,